उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, हम जो वीडियो दिखा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की है। जिले के बासी कोतवाली में आज इस तरह का माहौल था जैसे शादी विवाह वाले घरों में होता है। ऐसे माहौल को देखकर हर कोई ये जानने को उत्सुक दिखा कि आखिर क्या बात है जो इस तरह से उस कोतवाली में बैंड बाजा बज रहा है जहां पुलिस के रौब सुनाई देते हैं। उसी कोतवाली के कोतवाल रविंद्र कुमार सिंह ने आज एक प्रेमी जोड़े की शादी कराकर एक फिल्मी गाने को सत्साबित कर दिया। प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़फाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। जिले के बांसी कोतवाली के कोतवाल ने जिस प्रेमी जोड़े की शादी बड़े ही धूमधाम से कराई, वो प्रेमी लड़के लड़की कोतवाली के दुबरा गांव के निवासी हैं। प्रेमी जोड़े ने बताया कि लगभग 5 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने जीवन भर के लिए एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाई हैं। इससे लड़के वाले तो राजी थे, मगर लड़की पक्ष के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से बुधवार की रात में दोनों परिवारों में कुछ कहासुनी हुई और पुलिस रात में लड़के को थाने ले आई। ये सुनकर आज सुबह ही लड़की ने खुद ही थाने पहुंचकर अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि हम दोनों बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं। जब लड़का लड़की दोनों राजी थे और बालिग थे तो कोतवाल ने भी कोर्ट के नियमानुसार पुलिस परिवार लोगों के सहयोग से तत्काल शादी के जरूरी सामान की व्यवस्था कराकर कस्बे के टेकदर मंदिर में दोनों की शादी करा दी। शादी से लड़का और लड़की दोनों खुश हैं। हम लोग प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते थे, उनके घर वाले नहीं मान रहे तो हम दोनों थाने में आकर हम दोनों प्यार करते हैं। अच्छा, तो क्या घर वाले राजी थे इसके लिए? नहीं। तो फिर कैसे शादी आप लोगों ने किया? हम आप सबसे कहा थाना प्यार। ग्राम में दो पक्षों में विवाद की सूचना पर कल 100 गाड़ी गई थी हमारी 100 टायर और इसमें से सनोज कुमार को पकड़ के लाई थी। पता लगा सनोज कुमार ममता नाम की लड़की से मतलब वो प्रेम करता है और शादी करना चाहता है। गांव के दूसरे पक्ष के लोग ममता के घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, मारपीट पर उतारू थी। सनोज कुमार जो कि थाने पर था, आज सुबह लड़की जो है ममता स्वयं थाने पर आई और उसने कहा कि हम अलग से शादी करना चाहते हैं, मैं बालिक हूँ, बीए तक की छात्रा हूँ, हम दोनों रजामंदी से शादी करना चाहते हैं। तत्काल हम लोगों ने अपने हिसाब से थाने वालों से और जन सहयोग से इस शादी का अरेंजमेंट किया और शादी ले जाके बाबा देवधर बाबा के मंदिर पे शादी कराई गई।